टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। हम कन्याओं से मिल चुके हैं, कुंवर भी आ गए हैं, तो अब शुरू होगा असली शो। अरे भाई, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये है इंडिया मेरी जान, यहाँ बड़ों के आशीर्वाद के बगैर तो हम गाड़ी तक शुरू नहीं करते हैं, तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है। तो आइए उन्हें बुलाए जिनके आने से पूरा माहौल ही बदल जाएगा। म्यूजिक, लाइट्स, रिएक्शन। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर। ये है हमारे कुंवरों की मम्मी जी, ससुराल गेंदा फूल सुदेश रानी चौहान, शीला नैन, मंजू अग्रवाल, निर्मला नारंग, रविंद्र कौर। खाना सुपर सरप्राइज। पसीने छूट गए सबके। विशाल, जब मैंने 5 प्रोस्पेक्टिव सासों को एक साथ एक मंच पर ऐसे खड़े होकर देखा तो मेरी सांस अटक गई। But my actual reaction was like amazing, like mind blowing. I'm like totally mum. मैं समझता हूँ कि इनके आने से इस शो में जो है 5 एक्स्ट्रा चांद और लग गए। Let's move on. नहीं, very quickly. Now moving on towards you. ये आपके बारे में बताया गया है कि आप बचपन से एक बहुत ही सहज अभिनेता रहे हैं, बहुत ही कन्विंसिंग एक्टर रहे हैं। आपने कुछ पल भी गुजारे हैं इन लोगों के साथ, इन खूबसूरत लड़कियों के साथ। ऐसा कुछ अंदेशा मिला है कि आप कुछ तिरछी निगाहों से इनको देखते भी रहते हैं, तो इन्होंने एक आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट आपके लिए तैयार की है एंड दे वुड लाइक टू प्रेजेंट इट टू यू। अच्छा, मम्मी ने कहा था ऐसे मत करो। एक्चुअली हम सब लड़कियों ने सोचा कि हम लोगों का इतना लक अच्छा है कि आप जैसा कोई इंसान इतने दिनों के बाद हमें मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि हम 10 की 10 लड़कियां आपको जरा माइक होल्ड कीजिए ना प्लीज। आप मुझे मारेंगी? अरे दो ऑलरेडी है, दो ऑलरेडी है। नो, व्हाई जियो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, और अच्छा करो जिंदगी में, तुम्हें अपना वर मिल जाए। वेरी गुड, वेरी गुड भैया। नेक कुछ आई मीन गिफ्ट वगैरह तो बनता है ना, 10 की 10 लड़कियों का हक बनता है। ये इनमें से एक दूल्हा दे दूं आपको? सुन लो, अभी दे देता। दस कन्या, 5 कुंवर और उन कुंवरों की मम्मी जी, सब लोग यहाँ हैं। और अरे विशाल, सब कुछ यही बता दिया तो कल के लिए क्या रहेगा? That's right. क्या चाहती है कन्या हमारे कुंवरों से, क्या है इन कुंवरों के दिल में, और सबसे अहम बात, क्या चाहती हैं मम्मी जी इन दोनों से, और कैसे मिलेगी हमें हमारी लक्स परफेक्ट ब्राइड। इन सभी से पर्दा उठेगा कल, तो देखते रहिए लक्स परफेक्ट ब्राइड। We'll be right back.
फैशनेबल होने में क्या प्रॉब्लम है? बेहुदा फैशन नहीं होना चाहिए. I don't know the name. I'm sorry. The red one. Rajbir. Not you. Yes, the red one. Not you. आपके तो पीछे बैठ गए. आपके आपके पीछे. आपने कहा था कि जो बहू है उसे वेजिटेरियन होना चाहिए. कहा था. तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि इनका पत्ता कट? ऐसा है, घर में तो हमारे ये चलता नहीं बिल्कुल. नंदिता, आपको यशदीप कैसे लगे? अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है देखने में, बट लुक्स मेरे लिए इतना मायने नहीं रखती. सब कुछ इतना आसान नहीं है. कन्याएं, आपने शायद अपना घर ध्यान से नहीं देखा, उस पर किसी और का अधिकार है.